today we are starting with a new series of lecture on the aphthous ulcer. Aphthous ulcer. Every year, the question is asked in the Hembati Nandan Boguna University examination or in the RUGS examination or in the Maharashtra Board University examination. So, to make the lecture very easy and comfortable, we have also created a group on Telegram. You can join there to take the privilege of notes. You can follow us on Instagram with our name, Ocean of Dentistry. So now let's come to our topic. Recurrent aphthous ulcer. The name itself defines recurrent. Recurrent. मतलब जो बार बार हो रहा हो. Aphthous. Aphthous means inside the oral cavity. Ulcer. अल्सर यू ऑल नो एनी ब्रिच और ब्रेक इन द एपिथीलियम मतलब ऐसा अल्सर मुंह के अंदर में होना जो बार बार हो रहा हो ओके सो दिस इज क्लियर एप्थस एक ग्रीक वर्ड है ओके जिसका मतलब होता है कि किसी भी तरीके का ब्रेकेज ओके नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ अल्सर एनी ब्रिच एनी ब्रेक किसी भी तरीके के वर्ड पे आप फोकस करो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा ब्रेक किस चीज में भाई ब्रेक तो एपिथेलियम में ब्रेक किसी भी एक तरह के एपिथेलियम में अगर ब्रेक हो रहा हो कंटिन्यूटी में ब्रेक हो रहा हो तो क्या होगा म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व कर सकता है या स्किन के एपिथेलियम को इन्वॉल्व कर सकता है या फिर कनेक्टिव टिश्यू के एपिथेलियम को इन्वॉल्व कर सकता है और वह रिजल्ट करेगा इट विल रिजल्ट इन अ स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे और इट मे बी अ लार्ज type of lesion or bulla the large lesion are called bulla small small ulcer so this was the definition of the recurrent ulcer in the oral mucosa what are the etiology you must be thinking sir can you tell me why this happen etiology means kyun ho raha hai ye dekho kisi bhi tarike ka bacterial infection hai mainly jo hamare ओरल कैविटी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है या फिर किसी भी तरीके का इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी है ठीक है किसी भी तरीका के ऑटो इम्यून ही हो रखा है या फिर कोई आयरन डिफिशियंसी है आयरन डिफिशियंसी तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि यह एनीमिया कॉज करता है ब्लड डिसऑर्डर कॉज कर सकता है इसकी वजह से वाइटामिन बी ट्वेल्व यदि वाइटामिन बी ट्वेल्व की कमी है इसकी वजह से भी हो सकता है फॉलिक एसिड की कमी है मतलब ये सब फाइनली जाकर के क्या कॉज कर रहे हैं एनीमिया एनीमिक कंडीशन है उस एरिया को ब्लड सप्लाई की भी कमी होगी जब ब्लड सप्लाई की कमी होगी तो एपिथेलियम में ब्रेक होने का चांस ज़्यादा है आप समझ रहे हो इस चीज़ को उसके अलावा किसी भी तरीके का बार बार ट्रॉमा कोई टूथ है ऐसा ओरल कैविटी में कोई ऐसा टूथ है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बार बार किसी ओरल कैविटी के स्किन को म्यूकस मेम्ब्रेन को बार बार ट्रॉमेटाइज होना पड़ रहा है किसी भी तरीके का ट्रॉमा हो चुका है तो उसकी वजह से ये अल्सर हो सकते हैं ठीक है इसके अलावा किसी भी तरीके का एंडोक्राइन डिसऑर्डर है पर्सन के अंदर में हार्मोन का डिसऑर्डर चल रहा है जैसे कि मेंस्ट्रुअल पीरियड में एक फीमेल जो होती है मेंस्ट्रुअल पीरियड में या फिर पोस्ट ओवुलेशन पीरियड में उस समय हार्मोन का डिसबैलेंस हो रखा होता है बॉडी में तो उस समय ये अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा है इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन है उसकी वजह से भी हो सकता है ये अल्सर इसके अलावा स्ट्रेस आप बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसा जिनका एग्ज़ाम के टाइम में स्ट्रेस होता है और आप देखना कि एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा आपके माउथ पे अल्सर होने का चांस रहता है पिंपल्स अल्सर ये सब एग्ज़ाम के टाइम में बहुत होता है क्यों क्योंकि स्ट्रेस होता है आपको ओके सो दीज आर द सम कॉमन रीजंस दैट बिकॉज ऑफ विच दिस अल्सर कैन हैपन इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट आपके पास ऐसे आएंगे जिनको कि किसी भी तरीके का बहुत पहले इन्फेक्शन हुआ हो और वो अब उसका मैनिफेस्ट कर रहा हो कुछ साइकिक पेशेंट होते हैं जो मतलब मेंटली डिसऑर्डर होते हैं साइकिक पेशेंट होते हैं मेंटली डिसऑर्डर पेशेंट में प्रॉब्लम क्या आती है कि वो अपने आप को क्लिंच करते हैं माउथ में ट्राइजेमाइनल न्यूरलजिक पेशेंट में क्योंकि वो क्लिंच करते हैं अपने माउथ को तो वैसे पेशेंट में होने का चांस ज़्यादा होगा या फिर कुछ सिस्टेमिक डिसऑर्डर है जैसे कि बैचेट डिजीज बैचेट सिंड्रोम आपने सुना होगा बैचेट सिंड्रोम के बारे में आपको मैं डिटेल नेक्स्ट
एक सिंड्रोम का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, ओके। इसके अलावा आपको मैजिक सिंड्रोम एचआईवी पेशेंट में क्या होता है, इम्यूनिटी लो होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है, इस वजह से हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस, टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसकी वजह से ये अल्सर हो सकते हैं। हमने बहुत सारा एटियोलॉजी देखा है, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे मैं फॉरवर्ड कर दूंगा आज शाम तक, ओके। देन वी हैव द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब शॉर्ट नोट्स आता है तो आपको क्लासिफिकेशन लिखना पड़ता है। क्लासिफिकेशन में तीन तरह का हो सकता है, रिकरेंट एप्थस अल्सर मेजर, रॉ मेजर, रॉ माइनर, मतलब रिकरेंट एप्थस अल्सर माइनर। उसके अलावा रिकरेंट एप्थस अल्सर एसोसिएटेड विद द हर्पीज, ओके। क्योंकि मतलब अब वायरस इन्फेक्शन है, मतलब हर्पीज वायरस की वजह से भी ये अल्सर हो सकते हैं। एक इटियोलॉजी आपको पता चल रहा है आपसे क्लासिफिकेशन से। इसके अलावा रिकरेंट एप्थस अल्सर विद द एसोसिएटेड विद द बैचेट सिंड्रोम, जो आपको मैंने बताया कि बैचेट सिंड्रोम, मैजिक सिंड्रोम, इनके साथ एसोसिएटेड होगा तो ये हो सकता है। तो एक जल्दी से हम फॉलोअप ले लेते हैं कि रिकरेंट एप्थस अल्सर किसको कहा, कि एनी अल्सर डेट इज अकरिंग अगेन एंड अगेन इन द ओरल कैविटी और ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन डेट विल बी कॉल्ड एज अ रिकरेंट एप्थस अल्सर। इटियोलॉजी फॉर दिस विल बी लाइक आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया, उसके अलावा विटामिन B12 डिफिशियंसी, इसके अलावा डेट विल बी अल्फा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, स्ट्रेस, इंडोक्राइनल डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन, ट्राइजमाइनल न्यूरेल्जियास, एनी सिस्टेमिक डिसऑर्डर लाइक बैचेट सिंड्रोम, हर्पीज, इसके अलावा मैजिक सिंड्रोम, HIV इन्फेक्शन, दिस ऑल आर द सम कॉमन मैनिफेस्टेशन इटियोलॉजी बिकॉज ऑफ विच दिस अल्सर कैन हैपन। इसके अलावा हमने फिर क्लासिफिकेशन देखा कि रिकरेंट एप्थस अल्सर मेजर, देर कैन बी रिकरेंट एप्थस अल्सर माइनर, रिकरेंट एप्थस अल्सर बिकॉज ऑफ हर्पीज एंड रिकरेंट एप्थस अल्सर बिकॉज ऑफ द बैचेट सिंड्रोम। So this was all about the classification. Now come to the clinical feature of the disorder. So clinical feature, we always follow age, sex, site. Okay. In the age, mainly 10 to 30 years of age group. ये young age generation ज़्यादा होता है, second, third, fourth decade तक हो सकता है. Sex, females are more commonly affected than males because उनमें क्या होता है कि मेंसुरल पीरियड एवरी मंथ आता है, और एवरी मंथ जब मेंसुरल पीरियड रहेगा तो हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, और हार्मोनल डिसबैलेंस होगा तो देर इज अ चांस, और फीमेल स्ट्रेस में भी बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो ये भी एक रीज़न है उनमें अल्सर होने का। साइट में बात करेंगे तो ओरल कैविटी, जनरली ऑन द लिप्स, बकल म्यूकोशा, टंग, जिंजाइवा, जिसमें कि बकल म्यूकोशा पे सबसे ज़्यादा होता है, ओके। उसके अलावा ये अल्सर हायर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है। अब आप सोचोगे कि सर हायर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में कैसे एसोसिएटेड हो सकता है। सी, हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले जो पर्सन होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, स्पेशली स्ट्रेस में रहते हैं वो ज़्यादा, तो इस वजह से स्ट्रेस की वजह से अल्सर जनरेट हो सकता है। इसके अलावा जो 20% जनरल पॉपुलेशन होता है वो अफेक्ट होता है, इसका दूसरा नाम एक और दिया गया है, कैंकर सोराई, ठीक है, इसका कॉमन नाम होता है, दैट इज कॉल्ड एज द कैंकर सोराई। इसके अलावा आपसे मैं बात करता हूँ कि इसका ऑनसेट कैसे होता है। ये ऑनसेट कभी भी हो सकता है, जब ये ऑनसेट होगा, अब आपको मैं प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, एक रेड कलर का थोड़ा सा एलिवेटेड मार्जिन होगा, ओके। जैसे ही एलिवेटेड मार्जिन होगा आप समझ जाओ कि यहाँ पे कुछ डिसबैलेंस हो रहा है, मैक्रोफेजेस का एक्यूमुलेशन होना शुरू होगा, और फिर धीरे धीरे हो सकता है। समटाइम क्या होता है कि इसमें फीवर आ जाता है, There can be sometime fever, lymphadenopathy also. On palpation, you will find that it is a non-tender in origin, non-tender. Okay? There can be burning sensation to the patient when the patient comes to your clinic, when the patient comes to the dental visit or for any clinical visit, he will tell you, sir, there is a burning sensation in our mouth. तो वहाँ पे burning sensation होने का chance बहुत ज़्यादा रहेगा. Okay? इसके अलावा जो पेशेंट आपको बोलेगा कि सर ये कैसे हुआ, आपको पता करना है कि कैसे हुआ, तो प्रेजेंटेशन कैसे होगा। सबसे पहले क्या होगा कि अल्सर विल बिगिन एज अ राउंड एरिया ऑफ इरिदमा, सबसे पहले रेड एरिया बनेगा।
इसके बाद इस रेडियल एरिया में क्या होगा, पिन पॉइंट सेंट्रल एरिया ऑफ व्हाइट अल्सरेशन। अब इसमें छोटा छोटा अल्सरेशन पिन पॉइंट सेंट्रल एरिया इसमें हो जाएगा। इसके अलावा तीन से सात दिन सबसे पहले क्या हुआ, रेडनेस हुआ जो इन्फ्लामेटरी साइन आए, उसके बाद उसमें व्हाइट कलर का एक लीजन जनरेट हुआ, उसको बोल सकते हो आप पिन पॉइंट सेंट्रल लीजन। 3 से 7 दिनों के बाद यही अल्सर इनलार्ज हुआ, लिटरली चारों तरफ से इनलार्ज हुआ, और जैसे ही इनलार्ज होगा इट विल बिकम अ सॉसराइज शेप। सॉसराइज मतलब यू कैन से अ कप लाइक शेप। लेट सी आई एम मेकिंग दिस लाइक शेप इट विल क्रिएट सॉसराइज शेप। ओके, सॉसर की तरह, फुटबॉल की तरह यह शेप में क्रिएट हो जाएगा। कप्ड आउट अपीयरेंस इट विल शो। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सॉसराइजेशन एड्स द हीलिंग कंसंट्रेटेड। अब धीरे धीरे क्या होगा कि मैक्रोफेजेस, टी लिम्फोसाइट आ जाएंगे, हमारे बी लिम्फोसाइट आ जाएंगे, हमारे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन शुरू हो जाएगा उस जगह पे, अगर कोई बैक्टीरिया है तो या फिर स्ट्रेस है तो धीरे धीरे वो सबसाइड होगा, और फिर फाइनली क्या होगा कि लगभग 10 दिन के बाद ये हीलिंग शुरू होगा और फाइनली एक फिर से एरिथमेटस एरिया जनरेट होगा, और फिर से वह एरिथमेटस एरिया धीरे धीरे क्या होगा, मार्जिन से लेकर के इंटरनल एरिया तक ऐसे खत्म हो जाएगा, और इट विल गेट washed away or it will get healed up. But if this is not getting healed up within the 10 to 12 days, it means there is some more underlying clinical condition that we have to rule it out. Now come to the different types of presentation that this ulcer will have. This appear will present as a single, it can appear as a multiple ulcer, और दिस अल्सर विल अपियर एज अ ग्रेस व्हाइट कलर। एवरी वन सफर फ्रॉम दिस एंड यू मस्ट बी ज्वाइनिंग इट विथ योर डिजीज। आपको जो कभी मुंह में हुआ होगा तो आप उससे लिंक करके आप एक बार सोचते रहो कि कैसे कैसे आपको हुआ था, पहले लाल हुआ, फिर उसमें अल्सर जैसा जनरेट हुआ, फिर कुछ दिन बाद ठीक हो गया, किस कलर का था, तो ग्रेस व्हाइट कलर का। यू कैन राइट इट एज अ पेल येलो कलर, इट कैन राइट इट। अब उसमें से फ्रुलेंट थोड़ा सा डिस्चार्ज भी तो हो रहा था, yes there will be a fibroprurulent discharge, there will be a fibroprurulent discharge. To fibroprurulent discharge hua ek erythematous halo area ke beech mein, so this will be called as a recurrent aphthous ulcer. Now come to the recurrent aphthous ulcer minor. ab ek ek karke single ko dekh lete hain. ab recurrent aphthous ulcer minor mein kya hoga, isme chote lesion honge, minor hai, नाम से क्लियर है कि माइनर है, मतलब उतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, छोटा छोटा अल्सर होगा इसमें। साइज जो इस अल्सर का होगा लेट इट 2 to 3 centimeters। या आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि जो रिकरेंट एप्थस अल्सर माइनर होते हैं उनके साइज क्या होंगे, तो यू विल हैव टू टेल दैट कि वह 2 से 3 centimeters का साइज होगा। देन वी हैव टू टेल दैट कि जो यह लीजन होगा, ये लीजन कभी भी 10 mm डायमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और ये 7 से 12 दिन के अंदर में हील अप हो जाएगा विदाउट एनी स्कैर फॉर्मेशन। लेकिन जो रिकरेंट एप्थस अल्सर मेजर होगा, वो क्या करेगा, वो साइज में बड़ा होगा, लगभग 4 to 6 centimeters साइज का होगा, और ये नंबर ऑफ जो अल्सर होंगे लगभग 20 to 40 हो जाएंगे, 20 के आसपास में हो जाते हैं। समटाइम्स इट विल बी लाइक 10, 12, बट इट विल नॉट हील अप क्विकली। इनका हीलिंग जो होगा लगभग 20 to 40 days ले लेगा, समटाइम ये हील ही नहीं होते हैं विदाउट मेडिसिन। सो दिज आर सम कॉमन कॉम्प्लिकेशन विद दिस अल्सर। नाउ कम टू द व्हाट आर द एनी स्कैरिंग प्रेजेंट इन इट और नॉट। सो इन द रिकरेंट एप्थस अल्सर मेजर देयर विल बी स्कैर फॉर्मेशन। मिकुलीज स्कैरिंग डिजीज से आप कंफ्यूज हो सकते हो, और इसका सबसे कॉमन साइज जो होगा लिप्स वगैरह पे हो जाता है। समटाइम ये जब इसोफेगस में होता है तो आप जनरल मेडिसिन में पढ़ते हो कि डिस्फेजिया होने लगा है, स्वेलिंग में, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगा है, बहुत कॉमन इंसिडेंस होता है जो रिकरेंट एप्थस अल्सर मेजर होता है उसका, बहुत कॉमन इंसिडेंस होता है विथ द HIV एसोसिएटेड। HIV के साथ में बहुत ज़्यादा ये एसोसिएटेड रहता है। साइज जो इस अल्सर का होगा, दिस अल्सर विल बी मोर देन 10 mm इन डायमीटर। मैं आपको बोला 20-40 के आसपास में चले जाते हैं समटाइम्स। अब बात करते हैं रिकरेंट एप्थस अल्सर के मेजर का जो अपीयरेंस होगा, बहुत डीप होगा, क्रैटर लाइक। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्रैटर लाइक, ये वर्ड आप ध्यान में रखना कि क्रैटर लाइक अपीयरेंस शो करते हैं, ठीक है, कौन से
विद अ रोल्ड अप मार्जिन लिम्फ एडिनोपैथी कैन बी प्रेजेंट। जब आप पैल्पेट करोगे तो लिम्फ एडिनोपैथी प्रेजेंट होगा, इट विल हील बाई स्कैरिंग, सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ रिकरेंट एप्थस अल्सर मेजर। नाउ इन द हर्पेटिक फॉर्म, इन द हर्पेटिक फॉर्म देर विल ए ग्रुप्स ऑफ स्मॉल स्मॉल अल्सर, छोटे छोटे हर्पीज वायरस की वजह से हो रहे हैं तो छोटे छोटे स्मॉल अल्सर प्रेजेंट हो सकते हैं, और ये जो छोटे छोटे स्मॉल अल्सर होंगे ये लगभग 1 से 3 साल तक कंटिन्यूसली रह सकते हैं और इट विल नॉट रिग्रेस बाई इट्सेल्फ। ओके, आपका क्लियर हो गया ये डाउट। नंबर बहुत ज़्यादा हो सकता है, 100-200 भी हो सकते हैं कभी कभी। अब बात करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में। इन द हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ द रिकरेंट एप्थस अल्सर आपको क्या दिखने को मिलेगा कि ये जो रिकरेंट एप्थस अल्सर होता है जो हिस्टोपैथ में, इसमें फाइब्रोपुरुलेंट डिस्चार्ज होगा। सबसे पहला म्यूसिनस टाइप का डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा, सेंट्रल एरिया ऑफ अल्सरेशन देखने को मिलेगा, बहुत सारे इन्फ्लामेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट होंगे जैसे कि टी सेल, प्लाज्मा सेल, लिम्फोसिटिक सेल्स, ये सब प्रेजेंट हो सकते हैं। इसमें एक बहुत ज़्यादा, जब साइटोलॉजिकल स्मियर आप क्रिएट करते हो तो एंटी स्क्लोज सेल्स आपको देखने को मिलता है, एनिट एस्क्लो सेल आपको देखने को मिलता है, इसमें ग्रैनुलेशन टिश्यू प्रेजेंट हो सकता है। ओके, उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस, आप जो पेशेंट आएगा तो आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखना होगा, तो आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप कंफ्यूज होकर के आप हर्पीस सिम्प्लेक्स का इन्फेक्शन लिख सकते हो, यू कैन सिंपली राइट इट एज एनी अल्सर ऑफ द ओरल कैविटी, आप ओएलपी पे भी जा सकते हो। समटाइम पेशेंट को कैंडिडियासिस लिख देते हैं लोग, बट दिस इज नॉट मैचिंग विद द कैंडिडियासिस, तो आप कैंडिडियासिस नहीं लिख सकते। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिकरेंट एप्थस अल्सर। अब नाउ कम टू द ट्रीटमेंट। Being a doctor, you must know the treatment of this. If it is a minor, it will heal up quickly within 10 days. No medication is required. But it is because underlying condition like constipation, stress, check those underlying condition and try to correct that problem. Okay? इसके अलावा आप patient को कहो कि सर आप अपने oral cavity का proper care करें, mouthwash का use करें, इन सब का आप ध्यान रखें थोड़ा सा, 5 to 7 days में आपका हील हो जाएगा। 5% एमिलेक्सन विच इज एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट यू कैन यूज, NSAID आप दे सकते हो पेशेंट को, एंटी कॉन्स्टिपेटरी पिल्स दे सकते हो आप पेशेंट को, 2% टेट्रासाइक्लिन का माउथवाश दे सकते हो आप, क्लोरहेक्सिडिन माउथवाश पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर दो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिकरेंट एप्थस अल्सर। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू पीपल, एंड इफ इट इज सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल Ocean of Dentistry. Hope this week a new video also be available from my side. Please keep studying, enjoy your day. Notes will be available in our Telegram group. You can join it from the link given in the description, and also you can follow us and you can join me on WhatsApp. Every details how you can contact me is given in our description. For any suggestion, any queries, please do comment in our comment section and let us know how we can help you. Thank you. That's all for today.